हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो लेक्चर नंबर थ्री साइंस चैप्टर नंबर फोर न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो इन द लास्ट लेक्चर्स ऑल ऑफ यू सी कि सेप्रोफेटिक्स प्लांट्स हम लोगों ने क्या देखा था सेप्रोफेटिक्स प्लांट्स सो टुडे न्यू टॉपिक इज रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ देयर डेफिशेंसी ऑन प्लांट्स सो ये चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से मीन्स न्यूट्रिएंट फंक्शन एंड इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी मीन्स अगर न्यूट्रेंट्स अगर नहीं मिला तो उसका फंक्शन मीन्स न्यूट्रिएंट्स के मन से फंक्सन क्या है अगर नहीं मिला तो इफेक्ट ऑफ डिफिशेंसी मीन्स उसके कमी के प्रभाव क्या रहेंगे सो so, पोषक तत्वों की भूमिका और पौधों पर उनकी कमी के प्रभाव सो फर्स्ट कॉलम इज न्यूट्रियट सेकेंड कॉलम इज फंक्सन एंड थर्ड कॉलम इज इफेक्ट ऑफ डिफिशेंसी मीन्स न्यूट्रेंट्स मीन्स पोषक एंड फंक्शन मीन्स जो कार्य करता है उन मीन्स क्या उसका इफेक्ट क्या है अपने फंक्शन क्या है ऐसा इफेक्ट ऑफ डिफिशेंसी मीन्स कमी के प्रभाव सो फर्स्ट इन द न्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट क्या है नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन के फंक्शन क्या है और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाजम मीन्स प्रोटीन क्लोरोफिल और साइटोप्लाजम के महत्वपूर्ण घटक देन उसके डिफिशियंसी क्या है मीन्स कमी के कारण क्या हुआ रिटार्डेड स्टैंडर्ड ग्रोथ यलोइंग ऑफ लिप्स मीन्स मंद रुकी हुई वृद्धि एंड पत्तियों का पीलापन मीन्स ऑल ऑफ यू आपने देखा रहेगा कि मीन्स प्लांट्स में जो अगर प्रो मीन्स नाइट्रोजन अगर नहीं मिलता कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तियां है, क्या होते हैं पीलापन आपको दिखते हैं आपने ऑब्जर्वेशन भी किया रहेगा ऐसा सो so, इसके कमी का नाइट्रोजन की कमी कारण ये इफेक्ट हो सकता है सो नेक्स्ट इज फॉस्फोरस नेक्स्ट फॉस्फोरस का फंक्शन क्या है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी मीन्स प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या करना है इनका फंक्शन क्या रहता है मीन्स कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को क्या करते हैं मीन्स रासायनिक मीन्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना देन नेक्स्ट इज इसका इफेक्ट क्या है मीन्स कमी का प्रभाव क्या है अर्ली लीव्स फॉल लेट फ्लावरिंग स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स मीन्स अब इसका इसका इफेक्ट क्या रहेगा प्रारंभिक में ही स्टार्टिंग में ही क्या होगा पत्ता गिरना मीन्स उनके जो लीफ होंगे वो गिर जाएंगे स्टार्टिंग में ही लेट फ्वलिंग फ्लावरिंग मीन्स देर से फूल आना उनके जो फूल आएंगे वो भी लेट से आएंगे एंड स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड जरो का धीमा विकास और जो जो उसके जो रूट्स है उनके भी क्या होगा बहुत ही स्लोली मीन्स विकास होने वाले हैं बहुत ही स्लोली ग्रोथ होगा मीन्स ऐसा सो so, फॉस्फॉरस्ट का आपने देखा कि इफेक्ट क्या है मीन्स uh, उसके अगर कमी का मीन्स इसका इफेक्ट क्या होता है प्रभाव क्या होता है अगर डिफिशियंसी अगर है फॉसफॉरस्ट का प्लांट्स में तो देन नेक्स्ट इज पोटेशियम पोटेशियम का फंक्शन क्या है नेसेसरी फॉर मेटाबोलिक एक्टिविटी मीन्स चयापचे के गतिविधियों के लिए आवश्यक है इसका क्या है चयापचे गतिविधियों के लिए आवश्यक है सो so, इसका इफेक्ट मीन्स ऑफ डिफिशेंसी मीन्स इसके कमी अगर रहेगा तो इसका प्रभाव क्या होगा कमी के प्रभाव क्या रहेंगे सो वीक स्टेम वेट विल्टिंग ऑफ लिप्स फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रोट्स कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स धीमी सेम रहेगा इसका भी क्या रहेगा आपका कमजोर तना इसका जो है जो वीक तना मीन्स एंड सेकेंड इज पतियों का गल जाना जो इनके जो जो लिप्स रहेंगे उसको तो क्या हो जाएगा गल जाएगा आपका दैन नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स का उत्पादन करने में विफलता और ऑब्वियसली है कि अगर इनके पास पोटेशियम नहीं रहेगा तो फिर इनको कार्बोहाइड्रेट्स जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो भी ये प्रोड्यूस खुद से नहीं कर सकते उत्पादन नहीं कर सकते सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट आपका क्या है मैग्नीशियम नेक्स्ट क्या है आपका मैग्नीशियम मैग्नीशियम का फंक्शन क्या है प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल मीन्स क्लोरोफिल का उत्पादन करना देन इसके इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी क्या है स्लो रिटार्डेड ग्रोथ येलोइंग ऑफ लिप्स मीन्स इनके जो धीमी जो मंदवृद्धि मीन्स ऑन एंड इसका जो ग्रोथ जो होगा वो क्या होगा बहुत ही स्लोली होगा दैन येलोइंग ऑफ लिप्स मीन्स पत्तियों का पीलापन सेम इसमें भी क्या रहेगा पत्ती आपको इसमें क्या रहेगा पीलापन रहेगा ऐसा नेक्स्ट इज आयरन आयरन का क्या है फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल मीन्स क्लोरोफिल का उत्पादन दैन इफेक्ट ऑफ डेफिशियंसी क्या है इसके येलोइंग ऑफ लीव्स मीन्स पी पत्तों का पीलापन दैन नेक्स्ट इज मैग्नीस मैग्नीज का फंक्शन क्या है प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट्स हॉर्मोन्स मीन्स मुख्य पौधों हार्मोन का उत्पादन करना ऐसा देन इफेक्ट ऑफ डेफिशियंसी क्या है इसके रिटार्डेड ग्रोथ स्पोर्टेड लिव्स मीन्स मुख मंद वृद्धि इसमें भी रहेगा सेम आपका एंड चितिदार पतिया रहेंगे जो इनके जो लिप्स रहेंगे ना एक्सपोर्टेड मीन चितीदार टाइप का रहेगा इनका जो लिप्स अच्छे लिप्स नहीं रहेंगे पतिया इनके देन नेक्स्ट इज जिंक जिनका क्या फंक्शन क्या है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स मीन्स हार्मोन और उनके मध्यवर्ती का उत्पादन ऐसा इनका दैन इफेक्ट ऑफ डिफिशेंसी क्या रहेगा अगर इनको नहीं मिला तो रिटार्डेड ग्रोथ यूलोंग ऑफ लिप्स मीन्स वही सेम चीज रहेगा इसमें भी मंद वृद्धि मीन्स इसका जो वृद्धि है ग्रोथ है वो जल्दी ज़्यादा नहीं होगा मीन्स स्लोली होगा एंड पत्तियों हो का पीलापन सेम इसमें भी क्या रहेगा पत्तियों का पीलापन सोल ऑफ यू आपने ये जो चार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो ऑल ऑफ़ यू सी कि इतने जो न्यूट्रिएंट्स के नेम्स आपको दिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन मैगनीस जिंक सो इनके फंक्शन क्या है एंड अगर इनको मींस इनका अगर कमी है लाइक इनका डेफिशिएंसी है तो इनके इफेक्ट क्या होगा प्लांट्स के ऊपर सो so, आपने ऑल ऑफ यू सी देखा ये चार्ट ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है सो ऑब्जर्व द प्लांट अराउंड यू एंड डायग्नोस द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इफ़ एनी मीन्स आप भी कर सकते हैं ऐसा मीन्स ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं अपने आसपास के पौधों का निरीक्षण कर सकते हैं और पोषक तत्वों की कमी का निदान करें यदि कोई हो तो अगर आपको पता है इफ़ एनी अगर आपको अगर आसपास पास आपके अगर है तो आपने आपको ऑब्जर्वेशन करना है फर्स्ट कि इसके क्या है मीन्स इसके पत्ते में पीलापन है कि क्या है आप उनको या इसका ग्रोथ रुके हुई है या इनमें फूल लेट आ रहे हैं तो ऑल ऑफ यू आप ऐसा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ऐसा तो उनका मीन्स आप कुछ आ, ने, आ, कमी है तो उसके आ, किसका न्यूट्रिएंट क्या चाहिए इनको तो आप ऐसा कर सकते हैं ऐसा चेक कर सकते हैं इसमें ऐसा सो नेक्स्ट इज न्यू टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मीन्स पशुओं के पोषण जो जानवर होते हैं उसमें किस तरह से पोषण का दिस कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द बॉडीज नीड फॉर न्यूट्रिय मोड ऑफ इंजेक्टिंग फूड एंड इट्स यूज इन द बॉडी मीन्स इस अवधारणा का तात्पर्य शरीर की पोषक तो तत्वों की आवश्यकता भोजन में अंतग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग से हैं मीन्स इस तरह से इनके यूज रहेंगे इनके उपयोग रहेंगे ऐसा लेट्स रिकॉल विच आर द वेरियस न्यूट्रेंट इन फूड फॉर वाट पर्पज आर न्यूट्रेंट यूज मीन्स अभी अब भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व तो कौन से हैं भोजन तो हम लोग करते हैं लाइक तो इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व तो कौन से हैं देन नेक्स्ट इज फॉर वाट परपज़ आर द न्यूट्रेंट यूज मीन्स ऑल्सो जो किस उद्देश्य के लिए पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है ऐसा न्यूट्रेंट नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडीज आर ऑप्टेन फ्रॉम फूड मीन्स शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व भोजन से प्राप्त होते हैं आपको भी पता है कि अपने जो बॉडी के लिए विभिन्न जो अपने बॉडी में जो फंक्शन होते हैं इसके लिए क्या चाहिए आपको पोषक तत्व चाहिए मीन्स न्यूट्रेंट चाहिए वो आपको कहाँ से मिलते हैं फूड से मिलते हैं खाने से They are supplied to the various parts of the body through blood. और वे हमें किस तरह से मिलते हैं? उन्हें रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों की आपूर्ति की जाती है मीन्स अपने ब्लड के थ्रू आपको मिलता है जो जो भी आपके न्यूट्रेंस हैं वहाँ पर आपूर्ति की जाती है उनको ट्रांस मीन्स एक तरह से वेरिय, वेरियस जो जहाँ जहाँ अलग अलग पार्ट्स है वहाँ तक तो पहुँचाया जाता है ब्लड के थ्रू ऐसा द फूड डाइट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद ब्लड एज इट इज मीन्स जो भोजन हम ग्रहण करते हैं लाइक हम जो भी खाते हैं वह रक्त के साथ नहीं मिलता है और ये जो हमारा जो ब्लड है उसके साथ मिलता है क्या नहीं ओके सो इट नीड्स टू कन्वर्ट इन टू सोल्यूबल फॉर्म डैट कैन ईजली मिक्स इन ब्लड मीन्स इसे घुलनशील रूपों में बदलने की आवश्यकता है जो आसानी से रक्त में मिल सकते हैं और ये अगर आपको पता है अगर जो मीन्स सोल्यूबल रहेगा मीन्स तो क्या रहा? इजली क्या हो जाएगा ब्लड में मिक, मिक्स हो सकता है घुल सकता है ऐसा सेम जैसा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लायका वाटर में अगर आपने शक्कर डाला तो मीन्स क्या है शक्कर कैसा है उसमें सोल्यूबल है मीन एक तरह से क्या हो उसका मीन्स so मिल जाएगा मिक्स हो जाएगा तो आपको पता चलेगा क्या शक्कर किधर गया वाटर में ऐसा ऐसा सेम थिंग अगर मिक्स हो गया मीन्स आसानी से ऐसा अगर रक्त में मिल जाएगा ऐसा अगर सोल्यूबल रहेगा तो, तो वो क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं गुलनशील रूपों में ऐसा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स फॉर इंजेक्शन टू इजेक्शन मीन्स अभी क्या है जानवरों में पोषण से अंतर्ग्रहण से लेकर इंजेक्शन तक के विभिन्न चरण शामिल है उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं ऐसा सो स्टेप्स इन न्यूट्रिशन मीन्स आपके पोषण में कदम कौन कौन सा है तो फर्स्ट इज इंजेक्शन इंजेक्शन मीन्स अंतर्ग्रहण इंजेक्शन का मीनिंग क्या है अंतग्रहण फूड इज टेकेंड इंटू द बॉडी मीन्स भोजन शरीर में ले जाया जाता है भोजन को क्या करते हैं हम लोग अंदर शरीर में भोजन को लेकर शरीर में लेकर जाया जाता है सेकेंड इज उसके बाद भोजन का क्या होता है न्यूट्रिशन मिलने के में स्टेप्स कौन कौन से सेकेंड स्टेप क्या है इसका डाइजेशन मीन्स उसका पाचन पाचन होने के बाद पाचन में क्या होता है कन्वर्जन ऑफ फूड इंटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स और उसको क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं भोजन को मतलब भोजन को सरल रूप में बदलना मीन्स घुलनशील रूप में मीन्स सोल्यूबल ताकि मिल सके जो उनको कन्वर्ट करते हैं ऐसा नेक्स्ट इज एब्जॉपन एब्जोपन मीन्स अवशोषण ट्रांसफर ऑफ सोल्यूबल फूड टू द ब्लड मीन्स घुलनशील भोजन को रक्त में स्थानांतरित करना मीन्स उनको क्या करना ट्रांसफर करना मीन्स जो अभी के जो घुलनशील जो भोजन है उसको रक्त में मीन्स ब्लड में आपको उनको ट्रांस मीन्स स्थानांतरित करना है ऐसा नेक्स्ट इज फोर्थ इज एसिमिलेशन इसमें क्या होता है आत्मसात इसका एसिमिलेशन का मीनिंग क्या है आत्मसात यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जर्ब फूड बाय सेल्स एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ग्रोथ एंड रिपेयर बीन्स अभी बीन्स एसिमिलेशन में क्या होता है कि इनके जो द्वारा अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है ये जो ऑब्जर्ब जो करते हैं बेंस ये जो भोजन जो मींस लाइका इनको जो ऑब्जर्ब ऑब्जर्व करते हैं लाइका तो उसका उपयोग किसमें करते हैं लायका ऊर्जा के लिए एनर्जी के लिए इनका ऊर्जा के लिए कोशिकाएं है या उत्तक उत्पादन विकास हो गए इनके आपके ग्रोथ हो गए एंड मरम्मत मीन्स रिपेयर करने के लिए तो ये सब के लिए अगर इनको मीन्स चाहिए होता है तो नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज इजेक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी लास्ट में क्या होता है इनका इंजेक्शन मीन्स घुस मीन्स अपशिष्ट उत्पादों को हटाने और शरीर से बिना पका हुआ भोजन मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं मीन्स अपने जो आपने जैसे खाया तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट यही होता है तो उसमें क्या जो कुछ वेस्ट मिलते हैं वेस्ट बाहर होता है तो उसको क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं अपने बॉडी से ऐसा एंड द अनडाइजेस्टिव फूड आल्सो जो अगर आपको पचा हुआ नहीं खाना है लाइका तो उसको भी क्या करते हैं उनको बाहर कर देते अपने बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ऐसा सो टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट्स इन एनिमल्स मीन्स अभी क्या है आपको क्या देखना है कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मीन्स पशुओं के पोषण के प्रकार तो फर्स्ट इस उसमें क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन फर्स्ट क्या है होलोजोइक पोषण कैन यू टेल मीन्स क्या आप तुम बता सकते आप बता सकते हैं हाउ डज इंजेक्शन अकर्स इन यूनि एनिमल्स लाइक अमीबा अभी मीन्स अमीबा जैसे एक कोशिया जानवर में घुस कैसे होता है उसमें किस तरह से मीन्स आपको घुस इंजेक्शन होता है अमीबा जो क्या एक है यूनिसेलार है मीन्स एक कोसीय है यूनिसेल्यूर मीन्स एक कोसी सो अमीबा डज डज नॉट हैव ऑर्गेंस लाइक हैंड्ड्स एंड माउथ अमीबा क्या है जैसा अमीबा के हाथ और मुंह जैसे अंग नहीं होते हैं उनके क्या क्या हाथ हो गया या मुंह हो गए ये सब अंग नहीं होते इट इज़ ए यूनिसेलार एनिमल्स और ये क्या एक है एक कोसीय एक कोसीय जब मीन्स आपके एक कोसीय प्राणी है एक कोसीय जानवर है ऐसा इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट्स ऑफ द सरफ़ेस ऑफ इट्स यूनिसेल्यूलर बॉडी मीन्स यह अपने एक वोशीय शरीर की सतह के किसी भी हिस्से के माध्यम से भोजन में ले जा सकता है मीन्स इनके क्या है कौन से भी मीन्स किसी भी हिस्से से भी वो माध्यम से वो भोजन हमको ले जा सकता है अमीबा में इट्स सराउंड फूड्स पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल साइड्स टू टेक इट इन टू द सेल मीन्स आपके जो है मीन्स यह चारों ओर से भोजन के कण को कोशिका में ले जाया जा जाता है ये क्या करते हैं चारों ओर से अपने भोजन के जो कण होते हैं इनके जो मीन्स तो सौ क्या सेल में लेके जा जा जा, ले जाते कोशिका में लेके जाते हैं आफ्टर डाइट उसके बाद क्या करते हैं ये इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स और ये क्या करते हैं जो डाइजेस्ट मीन्स जो विभिन्न एंजाइम्स के डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से क्या करते हैं भोजन को पचाता है उसका क्या करता है पाचन होता है भोजन का अनडाइजेस्टिड फूड इज़ लेफ्ट बिहाइंड एट द अमीबा मूव फर्दर विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया मीन्स अभी जो लाइक जो नहीं पचा आपको पता है कि सारे सारे खाना थोड़ी ना पच जाते हैं मीन्स जो अगर लाइक अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसको किस तरह से करते हैं ये अस्वस्थता कर भोजन को पीछे छोड़ दिया जाता है क्योंकि अमीबा मीन्स जो आपका जो सीडोपोडिया है कि मदद से आगे बढ़ता है इसकी मदद से क्या करते हैं आगे बढ़ता है और ये जो जो मीन्स अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं ये लोग ऐसा इन इन यूनिसेल्यूरार एनिमल्स लाइक अमीबा यूगलेना पैरा पैरामोसियम ईटीसी ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रेंट अकर्स विथ इन देयर यूनिसेल्यूरार बॉडी मीन्स एक कोषीय जंतुओं में जैसे अमीबा आपका हो गया यूगलेना हो गया पैरामोकियम हो गया आदि पोषण के सभी चरण उनके एक कोषीय शरीर के भीतर होते हैं और ये सब जितने भी जो है मीन्स यूनिसेल्यूरार इनके क्या होते हैं मीन्स शरीर के अंदर ही होता है जो भी चीज़ होता है उनके बॉडी के अंदर ही होता है ऐसा इंसेक्ट हैव माउथ पार्ट्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड मीन्स भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए कीड़ों के मुख होते हैं फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट लाइक द कॉकरोच एंड ग्रास होपर्स विच निबल हैवे जो लाइक माउथ पार्ट्स मीन्स उदाहरण के लिए आपका तिलचट्टा हो गया आपका मीन्स और टीढे जैसे कीड़े जो कुतरते हैं और जबरे तरह तरह होते हैं मुँह के भागो मीन्स उनके सोलोफ्यूसी न्यूक्लियस अमीबा मीन्स अमीबा का ये जो आप डायग्राम ओलोफ्यूसी फिस फर्स्ट सो उसमें किस तरह से फूड हो गया फूड पार्टिकल्स न्यूक्लियस का किस तरह से आपको दिखा रहे हैं एरो एरोसे सोलोफिसी एंड इनके न्यूक्लियस क्या है फूड पार्टिकल्स किस तरह से इन बता रहे आपको ओलोफ्यूसी डायग्राम कि अमीबा का डायग्राम किस तरह से होता है बटरफ्लाइज सक फूड विथ ए टीव लाइक प्रोबोसिस मॉस्किटोज एंड बेडब यूजे नीडल लाइक माउथ पार्ट्स टू पायरिस एंड एटिव लाइक माउथ पार्ट टू शक ब्लड और अदर फ्लूड्स मीन्स अभी लाइगा इसमें आपके जैसे बटरफ्लाई मीन्स आपके मच्छर और बेडबग्स आपके जो हाँ जैसे तित्लिया बटरफ्लाई मीन्स तित्लिया तित्लिया भोजन को नली जैसे सूट से सुस्ती है अभी उनको क्या तित्लिया आपको बटरफ्लाई आपने देखा रहेगा किस पे देखा रहेगा कि जो बटरफ्लाई और फ्लावर्स पे आपने देखा रहेगा जो वो अपने खाना किस तरह से सूट से सुस्ती है जो भी उनको जो नली से उनको इस तरह से सेम नेक्स्ट चीज़ जैसा आपके मॉस्किटो एंड बेड बग्स मीन्स जो मच्छर और बेड बग्स है पेयर्स करने के लिए सुई की तरह मुंह वाले हिस्से और खून या अन्य तरह पदार्थों को चूसने के लिए ट्यूब जैसे मुंह वाले हिस्से का उपयोग करते हैं ये तो सबको पता है आपको जो मच्छर होते हैं जो जो अपने को कट कर मीन्स अपने बॉडी पे आके जो uh, काटते हैं मीन्स लाई तो उनके जो सूट्स आपने देखा रहेगा बहुत ही एकदम एकदम स्ट्रेट मीन्स एक तरह से बहुत ही नली जैसा होता है एक तरह से बहुत ही पतला होता है उनके जो सूट्स और वो बहुत ही पिन करते हैं और अपने जो ब्लड्स होते हैं वो निकालते हैं किस तरह से आपने ऑब्जर्वेशन भी किया रहेगा ऐसा ऑब्जर्व ऑब्जर्व एंड डिस्कस नेक्स्ट क्या है आपका निरीक्षण करना है एंड डिस्कस करना है हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप्स मीन्स अभी आप निम्नलिखित जानवरों को उनके भोजन के प्रकार के अनुसार कैसे वर्गीकृत करेंगे सो so, आपको ये देखना है कि एनिमल्स को किस तरह से हम लोग मीन्स क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से एनिमल्स क्या खाते नहीं खाते उसके जैसा अभी सेम ह्यूमन्स में भी है कि कोई मांसाहारी कोई शाकाहारी वैसे एनिमल्स में भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सोलोफिस पिक में बोधी पिक है एनिमल्स विद डिफरेंट फूड्स फूड हैबिट्स अभी क्या डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं एनिमल्स में अभी क्या है इसमें आप देखेंगे ह्यूमन भी है तो ह्यूमन भी क्या एक प्राणी है एनिमल से सो इनके हो गए एंड अदर्स जैसा हो गए लाइन हो गए पैरट हो गए सबके क्या डिफरेंट डिफरेंट हैबिट है खाने का अभी ऐसा अभी तोता आपको पैरट दिख रहा है इसका क्या रह अमरुद ये भी अमरुद ज़्यादा खाती है मीन्स ऐसा सो हर किसी का अपना खाने का एक अपना ये सो ऑल्फोसीपिक एंड ऑल्सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड एज अभी भोजन के प्रकार के अनुसार जानवरों को वर्गीकृत किया जा सकता है अभी किस तरह से करेंगे हम लोग भोजन के क्या कौन सा एनिमल्स क्या खाते है उसके ऊपर हम लोग डिपेंड कर कर सक क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्राणी क्या खा मीन्स कैसा इनका है मीन्स खाने का ऐसा सो so फर्स्ट इज हरवी बॉर्स मीन्स हर्वी वोस का मीनिंग क्या है हरवी बोर्स यूज प्लांट्स डायरेक्टली एज देयर फूड मीन्स जो ये जो प्राणी होते हैं शाकाहारी शाकाहारी लोग ये क्या करते हैं पौधों को सीधे अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं जैसा आपने देखा रहेगा कि जो शाकाहारी जो प्राणी होते हैं चाहे ह्यूमन है हो गया या प्राणी भी एनिमल्स भी हो गए उसमें मीन्स जान, जानवी आपके जो जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं अगर शाकाहारी है तो वो क्या करते हैं जो पौधों से जो अब उनको प्लांट से मिलता है वही वो खाते हैं ऐसा एग्जांपल आर ग्रेजिंग एनिमल्स मीन्स उदाहरण जानवरों को चराने ग्रे ग्रेन वॉरस मीन्स अब इसका क्या है बीज ग्रेन वॉरस सीड इटर्स मीन्स बीज खाने वाले हो गए देन फ्रुगी वॉरस मीन्स फ्रूट मीन्स फल खाने वाले मीन्स फ्रूट ईटर्स मीन्स फल खाने वाले ईटीसी आदि नेक्स्ट इज कार्निवरस कार्निवर्स क्या है हड़वी वॉरस मीन्स जो प्ला मीन्स एनिमल्स नहीं खाते एंड कार्निवर्स मीन्स जो मांसाहारी मीन्स ऐसा एनिमल्स डाइट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देर फूड आर कारनीस जो भी जानवर है जो भी जानवर अपने भोजन के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं लाइक अगर एनिमल्स में भी अगर जैसा मीन्स जो आपके जानवर है वो खाने के लिए जैसे लाइन हो गए ये दूसरे जानवर पर क्या डिपेंड रहते हैं ऐसा कुछ ह्यूमन बींग्स में भी अगर जो मांसाहारी मीन्स कुछ जो खाते लाइक मीट मछली ऐसे फिश जो खाते तो क्या दूसरे मीन्स ये भी क्या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं तो ऐसा ये क्या हो गया कार्निवाल्स में सो कारनीस आर इनडायरेक्टली डिपेंडेट ऑन प्लांट्स फॉर फूड मीन्स कार्निवर्स अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं मीन्स ऐसा नहीं है मीन्स इनडायरेक्टली मीन्स ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है कार्निवर्स वाले ये इनडिपेंडेंटली मीन्स इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर एग्जाम्पल्स आ रहे हैं एनिमल्स डाइट फीड ऑन हर्बीवर्स प्रिटेक्टर्स एनिमल्स डाइट फीड ऑन इंसेक्ट इंसेक्टिव मीन्स उदाहरण ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी शिकारियों को खिलाते हैं मीन्स एंड वे जानवर जो किटो किट भक्शी को खिलाते हैं वैसे भी जो किट भक्सी को भी खिलाते हैं सो ऑल ऑफ यू शो टू डे लेक्चर्स ए स्टॉप सो थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू लिसन की जितने भी लास्ट अपने जो वीडियो है सो ऑल ऑफ़ यू सी फुल वीडियोज़ बिकॉज वीडियो देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड होने वाले हैं ओके सो ऑल ऑफ़ यू थैंक यू थैंक यू सो मच